क्या हाल चाल है दोस्तों, वेलकम टू ताशी ब्लॉग्स। तो आज का सीन ऐसा है कि बाहर सर्दी हो रही है बहुत ज़्यादा, मतलब रात बारिश हुई है बहुत कड़ाके वाली, और किसी तरह मैंने अपने शरीर को इस बिस्तर से उठा लिया है, लेकिन ये बिस्तर अभी भी नहीं उठा है। कॉफ़ी पी ली है, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली है, बट अभी सबसे बड़ा काम जो है जिससे कि रूह कांप जाती है वो है ये बर्तन धोने। ये देख रहे हो किचन की हालत, ये जो है लॉन्डो के रूम पे किचन की तुम्हें यही हालत मिलेगी। और ये देखो यहाँ फालतू कपड़े पड़े हुए, कवर्ड रखा हुआ है, ठीक है, अलमीरा है, सब कुछ है, लेकिन नहीं, कपड़े आपको यहीं पर मिलेंगे। देखो यहाँ भी कपड़े पड़े, ये देख रहे, ठीक है, ये पूरा भर रखा है, मतलब कि अगर मैंने एक दो कपड़े और टांग दिए इस पे तो ये नीचे आ जाएगा पूरा। तो अभी सबसे बड़ा काम है कि हमें बर्तन धोने हैं भाई, और खाने के लिए कुछ नहीं है। 7-8 दिन शादियों में से आया हूँ ना मैं, तो मेरा गोश्त तंदूर पेला है मैंने, और मेरा पेट जो है वो हो चुका है ख़राब, ठीक है। तो अभी सबसे बड़ा काम ये है, तो आओ चलो बर्तन धो लेते हैं, फिर नहा लेते हैं। नहाने का यार, नहाना पड़ेगा क्या, चलो देखते हैं। देखो यार, सीन ऐसा है कि जब जब बर्तन धोने की बारी आती है ना, मेरा मन करता है मेरा कुछ मन नहीं करता। तो जब जब बर्तन धोने की बारी आती है तो मेरी तो बस एक ही इच्छा होती है कि क्यों ना शादी विवाह कर लिया जाए। और बर्तन धोने के बाद लगता है कि यार ये सिंगल जिंदगी ही बढ़िया है क्योंकि खाली बर्तन धोने के चक्कर में कितना कलेश झेलना पड़ेगा भाई, कितने नखरे और कितना खर्चा यार। इतने में तो जितना उन औरतों का मेकअप का खर्चा होता ना भाई, इतने में तो मेड आ जाएगी मेरी। एक तो ये बात समझ नहीं आ रही कि खाने वाले हम दो लोग हैं, साले इतने बर्तन हो कैसे जाते हैं। बर्तन गंदे करते टाइम तो हमें ज़रा भी रहम नहीं आता खुद पे। और ये तो मैं इस सदी का सबसे महान काम करने जा रहा हूँ, नहाने जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, मेरे लिए दुआ कर रहा तुम, क्योंकि नहाना किसी जंग जीतने से कम नहीं है आजकल मेरा तो बिल्कुल मन नहीं करता नहाने का, लेकिन क्या करें भाई, नहाना पड़ेगा, वरना ये समाज जीने नहीं देगा ना मुझे। लाइट भी चली गई भाई, मैं नहा के तो आ गया हूँ, लेकिन मैं किसी को सलाह नहीं दूंगा, मत नहाओ भाई, कोई फायदा नहीं है नहा के, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, 1 लाख की बात बता रहा हूँ, नहाने से कोई फायदा नहीं है, स्किन और खराब होती है, पूछ लेना डॉक्टर से यार। और ये जुल्फे मेरी कुछ बड़ी हो रही है, मुझे लगता है कि इन्हें कटाना पड़ेगा, इससे पहले घर वाले गालियाँ दे दे के मेरा कान भर दें। ये दाल बनी है भाई साहब, इसमें सब कुछ अलग दिख रहा है। दुकान के लिए दाल पैक कर लिए, दाने खाई के लिए, और अभी थोड़े से अपने लिए मैं पीनट बटर पैक कर लेता हूँ, क्योंकि भाई शाम को लगेगी भूख और मैं बाहर का बिल्कुल नहीं खाना चाहता हूँ, तो अभी ब्रेड पे पीनट बटर लगा लेते हैं। और भाई ये है हमारे यहाँ की छोटी नदी, तुम किसी सीजन में भी आ जाओ, लेकिन यहाँ पर तुमको ये छोटी गंगा जरूर मिलेगी। वो हल्के 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 चाचा, चलो। तो गुड़गांव में सबसे बड़ी दिक्कत जो है ड्रेन सिस्टम की है भाई। वैसे तो मुझे जो है वो बाइक लेके आना था, लेकिन अभी बाइक लेके नहीं आ पाए तो पैदल ही चलेंगे, लेकिन शाम को ही पैदल आना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ी टेंशन वाली बात है, बट ठीक है, पैदल चलना भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा ही होता है। तो भाई अपन दुकान से वापस आ चुके हैं, रात का टाइम हो रहा है, और वही हल्की सी बारिश फिर से हो गई है, तो घर पहुँच कर फिर से खाना बनाना है, लेकिन खाना बनाने का मूड बिल्कुल नहीं है, तो बाहर से ही लेंगे। देखो भाई साहब, उस टाइम तो यहाँ पानी कम था, बट अभी और ज़्यादा दिख रहा है यार, छलांग लगा लूँगा क्या मैं, फतेह हासिल हो गई। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बोला, मुझे खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, तो हम खाना बाहर से लेके आएंगे। तो बाइक स्टार्ट कर लिए हमने, तो अभी चलते हैं, देखो कहाँ मिलेगा खाना रात में। यार सबसे बड़ी दिक्कत है तो सिंगल रहने की कोई ना कोई ढाबा तो खुला मिल ही जाएगा।
नहीं मिलेगा तो घर पे दाल तो रखी है ब्रो। हाँ जी भाई, तो अपन ने पैक करा ली 12 रोटी, क्योंकि मुझे अचानक से याद आया कि घर पे अंडा रखा हुआ है और यहाँ पर ऐसी कोई बढ़िया सब्ज़ी थी नहीं जो मुझे पसंद आती, तो अपन ने खाली रोटी पैक करा ली और घर पे जाके अंडे की भुर्जी बनाएंगे, वही बेस्ट है।